वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, हम सभी कितना इंप्रेस होते हैं केरला की लेडीज़ के बालों को देखकर कि कितने घने, मोटे, एकदम रस्सी जैसे होते हैं और लंबे भी कितने ज़्यादा होते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा एज पर पहुंचकर ग्रे होना शुरू होते हैं, अदरवाइज़ काले ही रहते हैं। तो ऐसा क्या मैजिक है इनके पास, क्या सीक्रेट है? वहाँ का खाना पीना और हवा तो है ही, लेकिन वहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है मैंने और मैंने देखा है कि वहाँ बनता है एक आयुर्वेदिक हेयर ऑयल जो हर घर में बनाया जाता है और ऑलमोस्ट सभी लोग इसको यूज़ करते हैं और इवन इस ऑयल को एक्सपोर्ट भी किया जाता है बाकी कंट्रीज़ में, इतना डिमांड में है ये। और केरला का ये मैजिक हेयर ऑयल बालों की हर तरह की प्रॉब्लम के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मतलब बालों को थिक बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, लंबाई तो मतलब अनलिमिटेड बढ़ाता है ये बालों की, बालों को इतना मजबूत बना देता है कि बाल आपके रस्सी जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बालों की डेंसिटी कम है, अगर आपके बाल घने नहीं हैं और आप बाल घने करना चाहते हैं तो ये ऑयल मैजिक की तरह काम करता है। मैंने इस ऑयल को काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ किया है और अब भी जब भी मन करता है मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ और यूज़ करती हूँ। और आपको भी एडवाइस करती हूँ कि वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर बनाइएगा और यूज़ करिएगा इस ऑयल को, आप खुद इसके ऑल टाइम फ़ैन हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई हेयर ऑयल यूज़ ही नहीं करेंगे, हर बार इसी को बनाएंगे और इसी को यूज़ करेंगे। सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस ऑयल को बनाने के लिए कोई भी इंग्रेडिएंट मार्केट से ख़रीदना नहीं पड़ता है, सारे ही इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में, हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये लोग यूज़ करते हैं, सारे ही मेडिसिन की तरह काम करते हैं और जब इस ऑयल में डलते हैं ये तो ये ऑयल खुद एक मेडिसिन बन जाता है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से बनाते हैं इस केरला के आयुर्वेदिक हेयर ऑयल को। सबसे पहले मैंने लिया एक क्लीन एंड ड्राई बोल, उसमें मैं डालूंगी एक छोटा स्पून मेथी सीड्स। मेथी सीड्स में बहुत सारा प्रोटीन होता है तो बालों की किसी भी तरह की डैमेज है उसको रिपेयर करता है, डैंड्रफ है, स्कैल्प पर इन्फ्लेमेशन है उसको ख़त्म करता है, प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग के इशू को ख़त्म करता है। साथ में एक छोटा स्पून कलौंजी सीड्स डालेंगे, बालों को लंबे समय तक काला रखते हैं कलौंजी सीड्स और हेयर फॉल को एकदम स्टॉप कर देते हैं। फ्लैक्स सीड्स डालेंगे, इसमें भी भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन होते हैं, एक एक बाल को थिक बनाते हैं, मोटा बनाते हैं, शाइनी बनाते हैं, डैमेज बाल हैं एकदम से फर्स्ट एप्लीकेशन में ही रिपेयर कर देते हैं फ्लैक्स सीड्स। बाल अगर फ्रिजी हैं, ड्राई हैं, बीच में से टूटते हैं, पहली एप्लीकेशन में ही बालों को शाइनी, स्लीक और हाइड्रेटेड बना देते हैं। साथ में लेना है एक छोटा स्पून ही राइस, चावल लेना है आपको, कैसा भी चावल आप ले सकते हैं। चावल बालों को मजबूत बनाते हैं, बालों की ग्रोथ को बहुत फास्ट कर देते हैं चावल, और बालों को स्मूथ बनाते हैं, साथ साथ डीटैंगल करके रखते हैं, मतलब उलझते नहीं हैं बाल। और साथ में लेनी है 5 से 6 काली मिर्चें जो किसी भी तरह का अगर स्कैल्प पर इचिंग है, इन्फेक्शन है या खुजली होती रहती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी इनकी एप्लीकेशन से। अच्छे से इन्हें मिक्स करें और इनका एक दरदरा सा मतलब मोटा सा हमें पाउडर बना लेना है इन सारी चीज़ों का। इसको बिल्कुल पतला स्मूथ पाउडर नहीं रखना है आपने, हल्का हल्का मोटा रखना है हमें और ये बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट देने वाला है ये पाउडर जब हमारे ऑयल में डलेगा तो। मतलब ये हैं हमारी सूखी ड्राई दवाइयाँ जो हमारे तेल में जाने वाली हैं। अब हम लेंगे तेल, मैं यहाँ पर ले रही हूँ 200 ml मस्टर्ड ऑयल, आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, या तो इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाएं या कोकोनट ऑयल में बनाएं। मुझे मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे अच्छे से वो सूट भी करता है, प्लस मस्टर्ड ऑयल खुद एक दवाई की तरह काम करता है बालों के लिए, बालों को लंबे समय तक काला रखता है और एक एक बाल को मोटा बनाकर रखता है, बालों में शाइन ऐड करता है। अगर आपको कोकोनट ऑयल पसंद है तो आप कोकोनट ऑयल बना सकते हैं। तो मैंने लिया 200 ml मस्टर्ड ऑयल। अब इस मस्टर्ड ऑयल में मैं ऐड कर दूंगी ये पाउडर जो हमने अभी बनाया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने जितनी भी क्वांटिटी आपको इन सारी चीज़ों की बताई है वो 200 ml ऑयल के अकॉर्डिंगली बताई है, आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों की क्वांटिटी को उसी हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको इस ऑयल को बिल्कुल मेरे बताए तरीके से प्रिपेयर करना है क्योंकि अगर आप मेरे बताए तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आप इस ऑयल को आराम से 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ का थोड़े डार्क रेड कलर का प्याज जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया, उसको हम इस ऑयल के अंदर अब मिक्स कर देंगे। पहले हमने ऑयल में मिक्स किए हैं वो सारे सूखे मसाले जिनको हमने थोड़ा मोटा मोटा पीस लिया था और उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ ये एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, रीग्रोथ के लिए
किस तरह से काम करता है, ये आप अगर मेरी वीडियोज़ यूट्यूब पर या किसी भी और यूट्यूबर की वीडियोज़ देखते हैं हेयर रेमेडीज़ या हेयर DIY के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्याज बालों की रीग्रोथ के लिए कितना इफ़ेक्टिवली काम करता है। प्याज और उसके साथ में एक छोटा टुकड़ा, ऑलमोस्ट 1 इंच का टुकड़ा अदरक। अदरक भी अगर बाल आपके चले गए हैं, पैचेस आ गए हैं स्कैल्प पर, तो वहाँ पर रीग्रोथ बहुत फास्ट लेकर आता है एंड इफ़ेक्टिवली लेकर आता है। अदरक और प्याज दोनों बहुत ज़रूरी हैं किसी भी हेयर ऑयल में डालने के लिए, अगर हम उस हेयर ऑयल को हेयर रीग्रोथ या हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो दोनों को मैंने डाला, अच्छे से मिक्स कर दिया। अब तीसरा इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो हैं 2 लहसुन की कलियाँ, यानी कि 2 गार्लिक बड्स मैंने पील की, उनके छोटे छोटे पीसेस किए और वो भी इसमें ऐड कर दी। गार्लिक के अंदर होता है सेलेनियम, जो कि हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है। जो हमारे हेयर फॉलिकल्स इनएक्टिव हो गए हैं, जहाँ से बाल नहीं आ रहे हैं वहाँ से भी बाल आने शुरू हो जाते हैं, बाल मजबूत बनते हैं और हेयर लॉस कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। अब मेरे पास है घर पर धोकर सुखाई हुई थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ, ये भी आपको इसमें ज़रूर डालनी है। आप चाहें तो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, मैंने घर पर सुखाई हैं, मैं इन्हें इसमें ऐड कर रही हूँ। एक एक इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो मस्ट है अगर आपको ओरिजिनल केरला हर्बल हेयर ऑयल चाहिए तो। गुलाब की पत्तियाँ हमारे बाल जो बेजान हो चुके होते हैं उनमें जान लेकर आती है, न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो स्कैल्प पर डैंड्रफ, इचिंग, इन्फेक्शन, इरिटेशन का सवाल ही नहीं होता अगर आप इन्हें अपने हेयर ऑयल में ऐड कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए इन सारी ही चीज़ों को। और अब इसके बाद जो हम ऐड करने वाले हैं वो है फ्रेश एलोवेरा लीफ। यस, आपको फ्रेश एलोवेरा लीफ ही लेना है, जिसके छोटे छोटे स्लाइसेस मैंने कर लिए हैं, अच्छे से वॉश किया और छोटे छोटे स्लाइसेस मैंने कर लिए एक मीडियम साइज़ के लीफ के। एलोवेरा आपको पता है कि बालों को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करता है एलोवेरा, और बाल अगर डैमेज्ड हैं या बालों में जान नहीं है तो बालों को मजबूत बनाता है, बालों पर एक थिक लेयर बनाता है एलोवेरा, जिससे कि बाल डैमेज नहीं होते हैं और बालों को लंबे समय तक काला भी रखता है एलोवेरा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट से बनता है ये ऑयल, लेकिन एकदम दवाई की तरह काम करता है, तो कुछ भी स्किप मत करिएगा। अब नेक्स्ट आपको इसमें डालने हैं 5 से 6 गुड़हल के, यानी कि हिबिस्कस फ्लावर्स आपको इसमें डालने हैं। मुझे 2 ही मिले हैं तो मैं 2 ही डाल रही हूँ, और अगर आपको ड्राई मिलते हैं तो आप ड्राई डाल सकते हैं, अगर आपको फ्रेश मिलते हैं तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। हमें सिर्फ पेटल्स चाहिए तो आप 4 से 5 कोशिश करें, और नहीं है तो मेरी तरह 1 या 2 जितने भी मिलते हैं आप डाल सकते हैं। हिबिस्कस फ्लावर्स के साथ मिल सकते हैं हमें हिबिस्कस के लीव्स भी, जो कि इक्वली बेनिफिशियल होते हैं हमारे बालों के लिए। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 8 से 10 हिबिस्कस लीव्स, जिनको मैंने नाइफ से चॉप कर लिया है फाइनली, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये हमारे बालों के लिए रीग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है, हिबिस्कस फ्लावर भी और हिबिस्कस लीव्स भी। बालों में शाइन लेकर आता है, एक एक बाल को थिक बनाता है, मोटा बनाता है और चिकना बनाता है, मतलब बाल बहुत सिल्की और शाइनी हो जाते हैं हिबिस्कस के यूज़ के बाद। तो अच्छे से मिक्स करना है इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद। अब नेक्स्ट हमें इसमें डालने हैं करी लीव्स, जो कि आपको पता है कि साउथ इंडिया में हर घर में करी लीव्स का पौधा लगा होता है। जैसे हमारे नॉर्थ में हम तुलसी का पौधा लगाना ज़रूरी समझते हैं, पूजा करते हैं उसकी, इसी तरह से साउथ में हर घर में करी लीव्स का पौधा आपको ज़रूर मिल जाएगा। करी लीव्स में भर भर के होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, जो बालों को जड़ों से लेकर मजबूत करते हैं, हेयर लॉस को रोकते हैं करी लीव्स। और बाल अगर पतले हो गए हैं, प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग का इशू है, या बाल डैमेज हो गए हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे से रिपेयर करते हैं एंड बहुत ही अमेजिंगली ट्रीट करते हैं सारी ही हेयर प्रॉब्लम्स को। इनको भी ऐड करना है, मैंने छोटा छोटा इनको चॉप कर लिया और ऐड कर दिया इस ऑयल में, अच्छे से मिक्स कर दिया। अब करी लीव्स के बाद हमें लेने हैं 15 से 20 नीम लीव्स। नीम लीव्स आपको पता है कि दवाई की तरह काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, बालों को और स्कैल्प को कंडीशन करते हैं, हेयर ग्रोथ को फास्ट करते हैं, फ्रिज है बालों में, बाल ड्राई हैं, उलझे उलझे रहते हैं, ख़त्म कर देते हैं बालों की इस प्रॉब्लम को और बालों को स्मूथ और सिल्की बनाते हैं। बालों में जुओं का प्रॉब्लम, डैंड्रफ का प्रॉब्लम, किसी भी तरह की पसीने से होने वाली खुजली का प्रॉब्लम है, सब सॉल्व कर देते हैं नीम लीव्स। तो इक्वल क्वांटिटी में हमें ऐड करने हैं नीम लीव्स, इनको भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हमें ऐड करना है आंवला। आंवला आपको पता है बालों की हर तरह की प्रॉब्लम के लिए
अमृत की तरह काम करता है ये। अगर हम इसे खाते हैं तो भी उतना ही फ़ायदेमंद है, अगर हम इसे अपने बालों पर लगाते हैं तो भी ये उतना ही फ़ायदा करता है। तो मैंने ऑलमोस्ट आधा आंवला लिया है अपने तेल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली, उसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसमें ऐड कर दिया है। आंवला बालों को काला रखता है। सबसे बड़ा गुण इसका यह है कि ये सफ़ेद हो चुके बालों को भी वापस काला करने की, या नए बाल जो आए उस जगह से उन्हें काला लाने की ताकत रखता है। तो ऐड कर लिया आंवला छोटे छोटे पीसेस करके और मिक्स कर लिया अच्छे से। अभी आपको इस मिक्सचर को देखकर लग रहा होगा कि इसमें से ऑयल कैसे बनने वाला है, भाई ये इतना थिक हो गया है तो इसमें हेयर ऑयल कैसे बनेगा इतनी सारी चीज़ें मिलाने के बाद। तो घबराइए मत, बहुत अच्छा ऑयल बनेगा इससे। हमें इस सारे मिक्सचर को अब रात भर यानी 6 से 8 घंटे ऐसे ही छोड़ देना है। और देखिए मैंने छोड़ा, और छोड़ने के बाद हमारा ऑयल कलर ऑलरेडी चेंज हो चुका है, हमारे जो इन्ग्रीडियंट्स हमने डाले हैं फ्रेश उनका भी कलर चेंज हो गया है, और ऑलमोस्ट हमारा 50% ऑयल तैयार है। मतलब सारी चीज़ों का एसेंस बहुत अच्छे से इस ऑयल में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अभी हमें इसे और अच्छा बनाना है। अभी 50% अच्छा है, अभी 100% अच्छा बनाने के लिए हमें डबल बॉयलर टेक्निक से यानी एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करना है, आपको लो फ्लेम पर उसको रखना है और उसके अंदर इस बोल को रख देना है जिसमें हमने ये मिक्सचर तैयार किया है। अब इस डबल बॉयलर की हेल्प से इस ऑयल को आपको पूरा 1 घंटा पकाना है लो फ्लेम पर। बीच बीच में आपको चलाते जाना है। 1 घंटा जब हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके ऑयल का कलर एकदम डार्क हो गया है, आपने जितने भी ये ग्रीन फ्रेश इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले थे उनका कलर चेंज हो गया है, उनका कलर फीका हो गया और उनका सारा एसेंस और कलर हमारे ऑयल में आ गया है, और हमारा ये बिल्कुल दवाई की तरह काम करने वाला ऑयल रेडी हो गया है। बस अब हमें इसे गरम गरम ही छान लेना है, ठंडे होने का वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसे ठंडे होने का वेट करेंगे तो ये थोड़ा थिक होने लगेगा। सो हमें इसे ऐसे ही छान लेना है। और ये जो हमारा लेफ़्ट ओवर है ये आप प्लांट्स में डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ बचा नहीं है जो मैं आपको बोलूँ कि आप इसका हेयर मास्क भी बना सकते हैं, आप इसे प्लांट्स में डाल सकते हैं। आप इसे ग्लास बॉटल में या प्लास्टिक बॉटल में बड़े आराम से 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। ये ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला, और इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए गाइस इसे वीक में कम से कम 3 बार ज़रूर अप्लाई करिए और रात भर लगा कर रखिए, नेक्स्ट डे ही शैम्पू करिए। तो है ना कितना ईजी ये केरला आयुर्वेदिक हेयर ऑयल बनाना, और बेनिफिट्स इसके अनलिमिटेड हैं। एक बार आप इसे यूज़ करना शुरू करिए, आई एम श्योर ये आपका भी फेवरेट बन जाएगा। इसी तरह से बनाइएगा जिस तरह से मैंने बनाया, तो आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे।